फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12 टेंजेंट नॉर्मल्स का क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चंस देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक क्लिक करें, देखें और समझें। मैंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं, बस आपके देखने की ज़रूरत है और आप अपना फीडबैक मुझसे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी सरल सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, दिस कर्व, इस कर्व को हमें टेंजेंट निकालना है। और टेंजेंट किसको पैरेलल है? इसको पैरेलल है। इस टाइप के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। ये इंडिविजुअली किया है क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। तो ध्यान से देखिए, ये एक कोई कर्व है। कर्व के एक्चुअल शेप में ना जाएं कि एक्चुअल शेप क्या होगा इसका, ऐसा एक कोई कर्व डिज़ाइन कर लें। इस कर्व पे एक कोई कॉन्टेक्ट पॉइंट ले लें अल्फा बीटा। ये कर्व की इक्वेशन हो गई है वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस टू। ये इसके टेंजेंट है, टेंजेंट को नाम टी दे दें। इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें वन अपॉइंट टू रूट थ्री एक्स माइनस टू। फिर इनर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, थ्री इंटू वन माइनस ज़ीरो। अब सवाल उठता है कि पॉइंट तो दिया नहीं, तो पॉइंट कौन है? अल्फा बीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स अल्फा बीटा, अल्फा बीटा रख दें तो हो जाएगा थ्री अपॉन टू रूट ओवर थ्री अल्फा माइनस टू। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। ये टेंजेंट का स्लोप है। व्हाट इज दिस? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको ही कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन आपको दिया हुआ है कि टेंजेंट तो इसको पैरेलल है। किसको पैरेलल है? इस लाइन को पैरेलल है। तो इस लाइन को पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। देखिए मैं बना नहीं पाया, पर ये दोनों पैरेलल हैं। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप आपको मालूम है, माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y वाले फॉर्मूले से निकलता है। ऐसा कैसे पता चला है, किससे निकलता है? तो ये आपको कई बार बताया है पीछे। अगर वीडियो देखे हैं आपने, नहीं देखे तो आप देखिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का स्लोप इसी से निकलता है। अगर इससे भी नहीं निकालना है तो इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करिए, तो एम इसका स्लोप होगा। अगर ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, फाइव का जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? इसको उधर भेज दें टू को नीचे, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा टू। तो जो तरीका आपको अपनाना है वो तरीका आप अपना लें। इसका स्लोप आएगा टू, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स मीन्स माइनस फोर अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई माइनस टू। अब प्रॉब्लम कि सही कौन सा है? सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। इससे भी वही आएगा, इसलिए इसको रब कर दिया क्योंकि ये एक तरीके से लिख दिया है। अब ध्यान दें, इसका नाम टी है, इसका नाम दे दें आप एल। टी किसको पैरेलल है? टी पैरेलल है एल को। तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका स्लोप कितना है? थ्री अपॉन टू रूट थ्री अल्फा माइनस टू। इसका स्लोप कितना है आपका? इसका स्लोप है टू। टू को इधर भेज देंगे थ्री बाय फोर, रूट थ्री अल्फा माइनस टू को उधर भेज दें स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा नाइन बाय सिक्सटीन थ्री अल्फा माइनस टू। माइनस टू को उधर भेज देंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 9 बाय 16 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 3 अल्फा। एलसीएम ले लेंगे तो 16 टू जा 32, 32 प्लस 9 कितना होगा 41 हो जाएगा। 41 अपॉन 16 इंटू 3 48, ये आपका अल्फा का वैल्यू आ गया। तो पॉइंट आ गया आपके पास। ओ माय गॉड, अभी तो केवल अल्फा ही आया है, अभी हमें पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करें दोस्तों? तो पॉइंट निकालने के लिए बीटा भी चाहिए होता है। तो आप ध्यान से देखो, अल्फा बीटा किस पे लाए करते हैं? तो अल्फा बीटा लाए कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस टू पे। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू रूट थ्री अल्फा माइनस टू। तो इसको देखें, देखिए बीटा इज इक्वल टू
अल्फा का वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 41/48 -2, 3 से इसको कैंसिल कर दें, 16, 16 टू जा कितना हो जाएगा आपके पास 32, 41 में से 32 गए तो 9 बचेगा, और 9 अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, तो पॉइंट आ गया आपके पास 3/4, 41/48, ये आपका पॉइंट है। और इसका स्लोप, टी का स्लोप और एल के स्लोप में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम होंगे क्योंकि टी इज़ पैरेलल टू एल ए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इस केस में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वाई माइनस बीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टी और एल, टी या एल का स्लोप एक ही चीज़ है, इज इक्वल इनटू एक्स माइनस अल्फा। तो वाई माइनस 41/48 एक्स, स्लोप कितना है इसका, तो स्लोप देखिए 2 है, तो स्लोप अगर इसका 2 है तो ये जाएगा 2 × x माइनस अल्फा का वैल्यू है 3/4, एलसीएम ले लें आप, तो ये जाएगा आपका 48y − 41/48, ये हो जाएगा आपका 2 × 4x − 3/4, 4 से इसको कैंसिल कर दें, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के करने तो आपका हो जाएगा 48y − 41 = 12 × 2 = 24, और 24 को इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 96x − 24 × 3 = 72 आएगा, तो इसको लिख सकेंगे आप 96x − 48y − 72 को उधर भेज दें, प्लस 72, तो 72 में से 41 माइनस करेंगे तो 31 आएगा। तो ये है दोस्तों इसका आंसर, टेंजेंट टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, मेरी बेस्ट विशेस हैं, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, पिछले क्वेश्चंस ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें वो भी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हैं जो एग्जाम्पलर के हैं, और वो सारे जो CBSE में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं परंतु NCERT में भी नहीं है, एग्जाम्पलर में भी नहीं है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, खुद आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, खूब मेहनत करें, मेरी बेस्ट विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट।